हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज़ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स इट्स नेम इज़ एलगोरिथ्म एंड फ्लो चार्ट तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में और फ्लो चार्ट के बारे में लेट्स ई थिंकिंग ब्लॉग सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट एंड लूप्स एंड काउंटर्स तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं यू ऑल नो बाय नो नाउ दैट कंप्यूटर आर कैपेबल परफॉर्मिंग मैनी सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कैपेबल है मतलब उसके सिंपल uh, और थोड़े जो कठिन टास्क होते हैं सबको परफॉर्म करने के लिए वो यू हैव ऑल्सो लर्न इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द दम्प्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आप ये भी आपको पता है सीख हो कि प्रोग्राम क्या होता है इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और वो हम जिस रूप में उसको देंगे टास्क वो उसी रूप में कंप्लीट करेगा उसी वे में मतलब स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर टू मेक श्योर देट द कंप्यूटर परफॉर्म द गिवन टास्क करेक्टली और आपको पता ये भी श्योर रहता है कि आपने जिस ऑर्डर में उसको टास्क दिए है उसी ऑर्डर में वो कंप्लीट करेगा टास्क उसको और करेक्ट करेगा सही तरीके से वो उनको हमें परफॉर्म करके देगा इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर इन द राइट ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो राइट right ऑर्डर में होना चाहिए सिस्टमेटिक होना चाहिए तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम एन एल्गोरिथम में इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसीजर और सॉल्विंग अ प्रोग्राम एल्गोरिथम में क्या होता है स्पेसिफिक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का जो हम कंप्यूटर को देते हैं और हम ये किस लिए करते हैं कैरिंग आउट अ प्रोसीजर एक प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर इंस्टेंस टू बाय अ नोटबुक अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जैसे आप एक नोटबुक खरीदते हैं यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत होती है कैसे हम लेने जाते हैं बुक तो हम क्या करते हैं सबसे पहला स्टेप है टेक मनी एंड गेट टू द स्टेशनरी शॉप हम हमारे पास पैसे लेते हैं हम मांगते हैं मम्मी मुझे कॉपी खरीदे मुझे पैसे दो पैसे लिए और हम क्या करते हैं दुकान जाते हैं शॉप पर जाते हैं टेल द शॉपकीपर वॉट यू वॉन्ट आप शॉपकीपर को बताते हो आपको क्या चाहिए दुकानदार को बोलते हो मुझे कॉपी चाहिए फिर वो कॉपी देता है आप कॉपी लेते हो टेक द नोटबुक आप कॉपी लेते हो आपने कॉपी ली उसके बाद पे हिम द मनी आप उसको मनी पे करते हो उसको पैसे देते हो टेक द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम हिम और वापस जो बैलेंस बचता है वो उसे आप ले लेते हो इन सिमिलर मेरन स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो सेम प्रोसेस क्या होती है अदर टास्क को फॉलो करने के लिए भी कंप्यूटर के लिए होती है लेटेस्ट अंडरस्टैंड विथ सम मोर एग्जाम्पल और हम अब दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश ये तो एक नॉर्मल हमने समझा है ठीक है अभी हम कंप्यूटर से रिलेटेड समझते हैं जैसे एन एल्गोरिथम टू एट थ्री नंबर हमें एक एल्गोरिथम में कितने नंबर एड करना है थ्री नंबर एड करना है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। फिर तीन नंबर लेंगे वो तीन नंबर आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको चाहिए वो आप तीन नंबर ले सकते हो एट थ्री नंबर उन में से उनको थ्री को हम क्या करेंगे एट करेंगे प्रिंट द रिजल्ट रिजल्ट प्रिंट करेंगे एंड स्टॉप और स्टॉप कर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया है। चलिए अभी हम देखते हैं एल्गोरिथम टू मल्टी अभी हमने तीन नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम देखा अब हम मल्टीप्लाई करने का एल्गोरिथम देखते हैं तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिर नंबर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम एल्गोरिथम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं तो सबसे पहले एडवांटेज होता है एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड ये समझने में बहुत ईजी होते हैं सेकेंड है एल्गोरिथम आर इजी टू इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट मतलब उसको रन करना है हम उसको उसको प्रोसेस में लाना है हमको उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए भी ये क्या होते हैं बहुत इजी होते हैं एल्गोरिथम आर मशीन इंडिपेंडेंट ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इन फ्लोर चार्ट और एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट में इजी कन्वर्ट कर सकते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट क्या होते हैं अभी इसको हम एल्गोरिथम समझ रहे हैं एल्गोरिथम हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिटिंग एरर्स फॉर द प्रोग्राम एल्गोरिथम क्या करता है हमारी हेल्प करता है क्या करता है एरर कोई प्रोग्राम अगर हम रन कर रहे हैं तो उसमें से वो एरर्स को डिटेक्ट करेगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा ठीक है स्टूडेंट ये तो हो गए एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के एडवांटेज ब्रेन बॉक्स देखते हैं फ्लो चार्ट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट चार्ट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट किस लिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम का जो फ्लो होता है रन होने का उसका एक चार्ट बना के देता है हमको तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं देखिए अब फ्लो चार्ट देखते हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोसेस और एन एलगोरिथ इन विच डिसीजन स्टेप्स आर लेड आउट इन अ ऑर्डर इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस होता है और एक एल्गोरिथ्म कि डिसीजन स्टेप्स आर लेड आउट मतलब डिसीजन जो है स्टेप्स हमारा कोई डिसीजन लेने की जो स्टेप्स है वो कैसे हो रही है लॉजिकल ऑर्डर में हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं देखिए फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्गोरिथ्म और एक एल्गोरिथ्म इन विच डिसीजन कौन से डिसीजन स्टेप्स में जिसको आप खर्च करते हो आप जिसको आप अप्लाई करते हो एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए तो उसको हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं स्टार्ट सबसे सॉरी टू मेक अ फ्लो चार्ट एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए यू नीड सम जियोमेट्रिकल शेप्स एंड सिंबल्स उसके लिए आपको उसे जियोमेट्रिकल शेप्स और सिंबल्स की जरूरत लगती है और हर सिम्बॉल जो है एक स्पेसिफिक टाइप्स रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी का जैसे स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स इसके लिए ओवल शेप होता है कौन सा शेप होता है ओवल शेप होता है ओवल शेप में क्या होता है इट इज कार्ड स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स अगर आपको कहीं ओवल दिख रहा है तो ये हमें क्या बताएगा कि हमें बॉक्स को स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है इट इज यूज टू डिस्प्ले द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट ये क्या करता है फ्लो चार्ट की बिगनिंग मतलब स्टार्ट है तो बिगनिंग और स्टॉप आ गया तो एंड बताएगा ठीक है जैसे ये स्टार्ट है तो ये क्या शो करेगा बिगनिंग शो शुरुआत शो करेगा स्टॉप आ गया तो ये क्या करेगा एंड शो करेगा नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट में क्या होता है ये पहले प्रोग्राम होता है पेरालोग्राम दिस सिंबॉल इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट बॉक्स इसको हम क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं इट इज यूज टू शो द इंस्ट्रक्शन ये हमें इंस्ट्रक्शन शो करता है किससे रिलेटेड इनपुट एंड गेटिंग द रिजल्ट एज अ आउटपुट इनपुट और आउटपुट का मतलब आप जो कंप्यूटर को डाटा दे रहे हो इनपुट कर रहे हो उसका और जो आउटपुट आएगा उसका हमें वो ये डाटा शो करता है नेक्स्ट होता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब प्रोसेसिंग बॉक्स दिस सिम्बॉल इज कॉल्डिंग प्रोसेसिंग बॉक्स इसको प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं इट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट और ये क्या दिखाता है रेक्टेंगल हमें दिख रहा है तो ये क्या दिखा रहा है की हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या कर रहा है प्रोसेस में है नेक्स्ट होता है डिसीजन बॉक्स और ये होता है रोमबस दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स इट इज यूज टू चेक द कंडीशन और टू डिस्प्ले द कंपेरिजन एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये क्या करता है कंडीशन चेक करता है फिर है ना डिस्प्ले पर हमें कंपेरिजन शो करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक और ये डिसीजन लेता है कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक और डिसीजन लेता है इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डायमंड शेप्ड बॉक्स और इसको क्या कहते हैं डायमंड शेप्ड बॉक्स भी इसको कहते हैं तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको डायमंड शेप्ड बॉक्स किस किसको कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन बॉक्स को कहते हैं किसको कहते हैं डिसीजन बॉक्स को कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट होती फ्लो लाइंस एरो है ना तो एरोज आर कॉल्ड फ्लो लाइन्स एरोज को हम क्या कहते हैं फ्लो लाइन्स कहते हैं दिस आर यूज टू कनेक्ट एंड इंडिकेट द फ्लो ऑफ डाटा इन द फ्लो चार्ट ये क्या इंडिकेट करता है जैसे ये एरो यहां पर लगे हैं ना तो ये क्या करता है हमें डाटा का फ्लो बताता है इंडिकेट करता है उसका फ्लो ठीक है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में नेक्स्ट होता है कनेक्टर सर्कल सर्कल कहीं दिख गया तो क्या समझेंगे कनेक्टर है द सिम्बॉल इज कॉल्ड अ कनेक्टर ठीक है इट इज यूज टू ज्वाइन वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनादर और ये क्या करता है कनेक्ट करता है फ्लो चार्ट के एक पार्ट को अलग दूसरे वाले पार्ट से क्या करेगा कनेक्ट करेगा ठीक है स्टूडेंट मेज द बॉक्स विज द स्टेटमेंट दुड होल्ड अभी यहां पर हमें दे दिया है रेक्टेंगल दे दिया है और जो भी बॉक्स दे दिया है तो हमको बताना है अप्लाई करना है ठीक है अब रूल्स ऑफ फ्लो चार्टिंग द गाइडलाइंस ऑफ मेकिंग अ फ्लो चार्ट आर एस फॉलोज फ्लो चार्ट के कुल रूल होते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट रूल क्या होता है द फ्लो चार्ट शुड बी इजी टू फॉलो एंड नीटली मेड ये बहुत साफ बना हुआ होता है बहुत क्लीन वे में बना हुआ होता है और क्या होता है इजी होता है द फ्लो चार्ट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो चार्ट कैसे स्टार्ट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट की साइड स्टार्ट होगा ठीक है स्टूडेंट्स एरोहेड्स इंडिकेट द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एरोहेड्स जो होते हैं ये एरोहेड्स ये हमें क्या दिखाएंगे इन्फॉर्मेशन का फ्लो दिखाएंगे और सिक्वेंस दिखाएंगे अवॉइड इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स फॉर बेटर क्लियरिटी हमें बीच में जो फ्लो लाइन्स आती है उसको क्या करना होता है अवॉइड करना होता है क्यों क्योंकि इससे वो से उसकी क्लियरिटी बढ़ जाती है ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल सिर्फ पूरी प्रोसेस में एक फ्लो लाइन होनी चाहिए एक फ्लो लाइन बाहर आनी चाहिए ओनली वन फ्लोर लाइन शुड इंटर अ डिसीजन बॉक्स और डिसीजन बॉक्स के अंदर भी सिर्फ एक फ्लोर लाइन होनी चाहिए वेयर आज आउट गोइंग फ्लो लाइन्स कैन बी एनी इन नंबर इससे ज्यादा फ्लोर लाइन्स नहीं होनी मतलब आप इंटर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ कितनी होनी चाहिए वन लेकिन अगर आप बाहर की साइड हो रहे हो तो बाहर की साइड में कितनी भी फ्लोर हो, लाइन्स हो सकती थी वो मैटर नहीं करता है लेकिन इंटर करने के लिए ओनली वन फ्लो लाइन होनी चाहिए इन द फ्लो चार्ट इज वेरी कॉम्प्लीकेटेड इट इज बेटर टू यूज कनेक्टर सिम्बॉल टू रिड्यूज द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स ठीक है इफ द फ्लो चार्ट इज वेरी कॉम्प्लीकेटेड अगर फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो बेटर है कि हम उसको कनेक्ट करें कौन से कनेक्टर सिम्बॉल का यूज करें उसकी जो फ्लो लाइन्स होती है उसको कम करने के लिए इन्श्योर देट द फ्लो चार्ट अ लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश और ये श्योर होना चाहिए कि फ्लो चार्ट का जो स्टार्ट और एंड है वो क्या होना चाहिए एक लॉजिकल वे में होना चाहिए कन्वर्टिंग एल्गोरिथम इंटू अ फ्लो चार्ट अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं लेटेस्ट कन्वर्ट द एल्गोरिथम रिटर्न इन द एग्जाम्पल अबो इन टू रिस्पेक्टिव फ्लो चार्ट ठीक है एन एल्गोरिथम टू ऐड थ्री नंबर्स ये तो हम देख चुके हैं कैसे हमें थ्री नंबर्स ऐड करना है स्टार्ट करना है कोई से तीन नंबर लेना है देखिए यहाँ पर हमने ले लिया स्टार्ट किया इसका प्रोसेस देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया है स्टार्ट किया है स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया है तीन नंबर टेक थ्री नंबर्स यहां पर एबीसी ले लिए फिर हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि ऐड द थ्री नंबर्स इन तीन नंबर को आप क्या करिए एड करिए यहां पर एड करने के बाद वो रिजल्ट शो करेगा और स्टॉप तो ये क्या हो गया एल्गोरिथम की प्रोसेस हो गई है अब एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई नंबर बाय हंड्रेड अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले स्टार्ट किया फिर एक नंबर लिया मल्टीप्लाई द नंबर बाय हंड्रेड उसको एक इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो वो यहां पर क्या कर देगा रिजल्ट शो कर देगा और फिर हमें स्टॉप करना रहेगा एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट के एडवांटेज देखिए आप द सिम्बॉल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर जो सिम्बॉल रहेंगे वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिम्बॉल होते हैं डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सा होता है तो ये सब हम सिंबल्स पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे वो खुद अपने आप से प्रोसेस करेंगे सिर्फ हमें सिंबल अट करना रहेंगे दस दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड और ये समझने में बहुत इजी होते हैं दे आर ग्राफिकल नेचर मेक्स द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड एल्गोरिथ्म क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ग्राफिकल नेचर होता है प्रोसेस का एक्सप्लेन करने का एक एल्गोरिथ्म का वो क्या होता है काफी सरल होता है विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट की हेल्प से प्रॉब्लम कैन भी एनालाइज इन अ मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम को और हम अच्छे से इफेक्टिव वे में समझ सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है अब इसके डिसएडवांटेज डिद्वा, क्या क्या होते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टेक्स एल और टाइम ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है हैंडल उसको थोड़ा इसके मतलब हैंडल करने में इसके जो जटिल प्रोग्राम होते हैं कॉम्प्लेक्स कठिन प्रोग्राम होते हैं इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है स्टैंडर्ड रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट हमें इसके जो फ्लो चार्ट के रूल्स होते हैं स्टैंडर्ड वही हमें इसको फॉलो करना होते हैं बनाने के लिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए इफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट में रिक्वायर रीड्रॉइंग कम्प्लीटली अगर इसमें कोई चेंज होता है तो हम बीच में नहीं कर सकते हमको उसको पूरा क्या करना होता है रीड्रॉ करना है मतलब फिर से हमें फ्लो चार्ट बनाना होता है नेक्स्ट है लूप्स एंड काउंटर्स सपोज यू वॉन्ट टू प्रिंट योर नेम हंड्रेड टाइम्स द फ्लो चार्ट विल बी वेरी लॉन्ग ह्योर यू कैन काउंटर्स अभी देखिए आपको हंड्रेड टाइम आपका नाम लिखना है प्रिंट करना है तो ये क्या हो जाएगा फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं काउंटर्स का यूज करते हैं अ काउंटर इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड काउंटर क्या करता है आपके नंबर ऑफ प्रोसेस को काउंट करता है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो अकाउंट इज अ वेरिएबल एक ये वेरिएबल होता है इट इंक्रीज बाय आफ्टर इट रिपीटेशन और ये हर रिपीटेशन के बाद क्या होता है इंक्रीज होता है दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड लूपिंग और इसको हम क्या बोलते हैं लूपिंग बोलते हैं वेन द वैल्यू ऑफ द काउंटर काउंटर बीकॉम्स इक्वल टू हंड्रेड इट गोज आउट टू द लूप और हंड्रेड के बाहर अगर हो जाता है इक्वल हो जाता है तो लूप क्या हो जाता है बंद हो जाता है बाहर हो जाता है यहां पर दे रखा है देखिए हमें ठीक है ये एरो से यहां पर स्टार्ट किया नाम डाला जो आपको करना है एक बार काउंट कर लिया फिर प्रिंट हो गया फिर काउंट क्लाउंट प्लस वन और फिर हंड्रेड तो यहां पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स रिपीटेशन के कार्ड को जो बार बार प्रोसेस रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं लूपिंग बोलते हैं और काउंटर किसको बोलते हैं काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही कितनी बार रिपीट हो रही उसके नंबर को कितने टाइम वो रिपीट उस नंबर को वो क्या करेगा काउंट करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे काउंटर बोल देंगे ठीक है और फ्लो चार्ट का तो पता ही है किसके लिए हमें सिंबल रिक्वायर्ड होता है तो यहां पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर सेवन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इसके में आपको क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्टिविटीज जो भी है इस चैप्टर की वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी मंडे या संडे तो आप लोग उसको अपनी फेयर कॉपी में कम्प्लीट कर लीजिएगा ठीक है स्टूडेंट्स अ नाइस डे टेक केयर बाय बाय